हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। आईएमटी खरगुदा किसानों के लिए जा रही दस्तावेज व फॉर्म, जल्द हो सकती है अलॉटमेंट। खरगुदा आईएमटी में R&R स्कीम के तहत रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए आवेदन करने वाले किसानों को प्लॉट आवंटन से पहले उनसे फॉर्म भरवा कर लिए जा रहे हैं। इन प्लॉट के लिए जटोला, फिरोजपुर, बांगर, सैदपुर, निज़ामपुर खुर्द, रामपुर, कुंडल, सोहटी, प्रहलादपुर, पाई, बरोना, गोपालपुर व पीपली सहित 10 गांव से करीब 1500 किसानों ने आवेदन किया था। अभी तक इन किसान आवेदकों को प्लॉट अलॉटमेंट नहीं किया है। इन सभी किसानों से अब एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, साथ ही उनकी ज़मीन से संबंधित इंतकाल जमाबंदी दस्तावेज भी लिए जा रहे हैं ताकि रिकॉर्ड का मिलान किया जा सके और उसी हिसाब से किसानों की पात्रता जांची जा सके। इसके बाद सरकार के आदेशों के मुताबिक किसानों को प्लॉट अलॉट जाने हैं। जो किसान पात्र होंगे उनके ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट दिया जाएगा। जिन किसानों की ज़मीन एक्वायर हुई थी और उन्होंने RMR स्कीम के तहत अप्लाई किया था, उन किसानों से अब यह फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिससे किसानों को उम्मीद हो गई है जल्द ही उन्हें खरगुदा आईएमटी में रिहायशी प्लॉट मिलेगा। बहुत से किसानों ने फॉर्म भरकर जमा भी करवा दिया है, मंजूरी के बाद मिलेगा मौका। उधर दूसरी तरफ से बहुत से किसान ऐसे हैं जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे और अब फॉर्म भरना चाहते हैं। ऐसे किसानों के लिए अभी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए ऐसे किसानों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। इस स्कीम का हिस्सेदार बनने के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय डिमांड भेजी गई है। डिमांड पर मंजूरी मिलने के बाद ही इन किसानों से फॉर्म लिए जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में किसान डिप्टी CM व मुख्यमंत्री HSIIDC के कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा से भी कई बार मिल चुके हैं और वे उन्हें आश्वासन भी दे चुके हैं जल्द ही उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी तक किसानों को फॉर्म अप्लाई करने का मौका नहीं मिला है, जिससे किसानों में नाराज़गी है और किसान लगातार इस मांग पर अड़े हैं। मंजीत बलहरा, स्टेट मैनेजर HSIIDC सोनीपत का कहना है कि किसानों को HSIIDC की तरफ से कई बार मौके दिए गए हैं ताकि वे R&R स्कीम में अप्लाई कर सके और 10 गांव के करीब 1500 किसानों के स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदन भी किया गया है। अब इन सभी किसानों से उनके दस्तावेज व फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ताकि उन दस्तावेजों का मिलान किया जा सके और पात्र किसानों को आगे प्लॉट अलॉट हो सके। इसके अलावा जिन किसानों ने समय रहते अप्लाई नहीं किया था, अब उन फॉर्म अप्लाई करने की मांग कर रहे हैं। उनकी फाइल अप्रूवल के लिए मुख्यालय भेजी हुई है। जैसे ही फाइल पर मंजूरी आएगी तो उनके फॉर्म भी भरवा दिए जाएंगे, वह भी अलॉटमेंट में शामिल कर लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल मंजूरी नहीं मिली है और फिलहाल उनसे कोई फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है। दूसरी तरफ 293 किसानों को लैंड पुलिंग स्कीम के तहत प्लॉट अलॉट हो चुके हैं, जल्दी उन्हें भी पोजीशन दी जाएगी। थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पड़ोस के ही एक युवक पर उसके नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म करने का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। महिला का कहना है कि वह उसका पति घर में थे। इसी दौरान उसके 11 वर्षीय बेटे ने बताया कि पड़ोस के ही एक युवक ने उसे अपने घर पर बुलाकर उसके साथ कुकर्म किया। दंपति यह सुनकर सुन रह गया। मासूम ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी उसके साथ कई बार कुकर्म कर चुका है, किसी को कुछ ना बताने को कहा। आरोपित ने मासूम को धमकी दी थी कि अगर वह किसी को कुछ बताएगा तो उसे जान से मार देगा। ऐसे में उसका बेटा डरा हुआ था, जिसने अब उन्हें यह सब कुछ बताया है कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खरखोदा शहर के उपमंडल स्तरीय सामान्य अस्पताल में सोमवार को बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक प्रधान अभिमन्यु नेकी ने की और मंच संचालन संजीव आनंद प्रकाश ने किया। सर्वसम्मति ने ब्लॉक खरखोदा की नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी टेकराम को प्रधान, सुरेश देवी व जसवंती देवी को प्रधान, रमेश चंद्र को वरिष्ठ उप प्रधान की जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही आनंद प्रकाश को सचिव, ज्योति को सह सचिव, अजीत को कोषाध्यक्ष, पवन को प्रेस सचिव, विदुला देवी को ऑडिटर व संदीप को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। हमायूपुर गांव में गौशाला का हुआ उद्घाटन। पूर्व चेयरमैन जय भगवान शर्मा की धर्मपत्नी संतोष शर्मा ने हमायूपुर बखेता गांव में दादी पिलासन गौशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 5 लाख की राशि दान स्वरूप दी। उन्होंने कहा कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह गाय की सेवा करे। प्राचीन समय से ही गाय की सेवा का महत्व चला आ रहा है। पहले घर परिवार में गाय की न केवल पूजा करते थे बल्कि गाय को पालते थे और गाय को माँ का दर्जा भी दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह से गाय भी अपने दूध के माध्यम से एक परिवार का पालन पोषण करती है।
उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को गाय की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर समाज सेवी एवं पूर्व चेयरमैन जय भगवान शर्मा, गौशाला प्रधान नरेश, महासचिव कुलदीप, रवि, बबलू, जयवीर, सुरेंद्र सिंह, अजीत कुमार, देवेंद्र, प्रदीप, अनिल, रविंदर सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सोमवार को 17 वर्षों से कार्यरत अतिथि अध्यापकों ने विधायक जयवीर सिंह को ज्ञापन सौंप कर नियमित करने की मांग की है। अतिथि अध्यापकों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्रदेश में अतिथि अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा देते हुए 17 वर्ष हो चुके हैं। उन्हें नियमित अध्यापकों की तुलना में एक तिहाई वेतन दिया जा रहा है। उन्हें अन्य सुविधाओं भी न देकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार द्वारा जहाँ सिक्योरिटी गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट बनाया गया था, जिसमें वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ते के बराबर वेतन बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया था, जो मिलना बंद हो गया है। मौजूदा सरकार के पूर्व अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में अतिथि अध्यापकों को नियमित करने व एरियर देने की बात कही गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार के 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी अतिथि अध्यापकों की मांग को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने विधायक जयवीर सिंह से मांग की है कि विधानसभा में प्रस्ताव पास करके उन्हें नियमित करने का काम किया जाए। इस मौके पर राजेश, सीमा, विनोद, सुमन, रीना व अन्य मौजूद रहे। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। कन्या महाविद्यालय खरखोदा affiliated to Maharshi Dayanand University Rohtak NAAC accredited grade A in third cycle Kharkhoda district Sonipat Haryana regular undergraduate programs BA BCom BCA Bachelor of Vocational Education Tulip Hospital Sonipat Department of Pulmonology and Sleep Medicine Tuberculosis and Infectious Disease Diagnostic and Therapeutic Bronchoscopy Diagnostic and Therapeutic Thoracoscopy Allergic disease and allergy skin testing, pulmonary function testing. Please contact Dr. Avinash Chauhan. For more information, please dial 705-65-111. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।